वीडियो में आप देख रहे हैं कि यूपी के बागमत में होली पर एक युवक तेज रफ्तार से आ रहे ऑटो पर पानी से भरा हुआ गुब्बारा मारता है। ऐसे में ऑटो सड़क पर फिसलते हुए पलट जाता है। ये ऑटो सवारियों से भरा हुआ है। इस हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे के वायरल वीडियो में क्या दिखता है कि यह हादसे का वीडियो दरअसल हैरान कर देने वाला है, जिसमें दिखता है कि कुछ लोग सड़क किनारे खड़े हो गए हैं। इस बीच एक तेज रफ्तार ऑटो सामने से आता हुआ दिखाई देता है, तभी हरे रंग की टी शर्ट पहने एक लड़का पानी से भरा गुब्बारा ऑटो की तरफ फेंक कर मारता है। ऐसे में माना जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर घबरा जाता है और फिर उसका ऑटो पर बैलेंस खराब हो जाता है। ऑटो सवारियों से भरा हुआ था। ऑटो को पलटता देख गुब्बारा फेंकने वाला लड़का वहां से चिल्लाते हुए भागने लगता है। मौके पर लोगों को उठाओ उठाओ की आवाजें भी आती हैं। इसके बाद मौके पर स्थानीय लोग गिरे हुए ऑटो की ओर दौड़ते हैं। वो पलटते हुए ऑटो में फंसी सवारियों को निकालते हैं और कुछ ही देर में घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट जाती है। हादसे का शिकार हुए लोगों को चोटें भी आई हैं। कोतवाली बागपत पुलिस को सोशल मीडिया से एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें गुब्बारा फेंकने से एक ऑटो के पलटने की घटना घटित होती दिखाई दे रही है। पुलिस द्वारा वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की गई, जिसमें ऑटो सवार दो व्यक्तियों को हल्की चोटें आई हैं। इस संबंध में कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।